दोस्तों तो स्वागत है आपको द ब्लू रेड को छी बात अब ताली मजमा विन तो हमारे शो आपको मनोरंजन को खुले थे लेकिन ये माँ बहुत लोगों की मेहनत लगी तो दिल से निवेदन कर दो कि वीडियो तय बहुत प्यार दें यहाँ अपने साथ हमेशा बनाए रखें। तो चला अब जरा किस्सों की बारी आ गया, थोड़ा किस्सा सुना जाए आपको है। तो लोग यार में तो भगवान समझने बैठी है। अरे अजीब पता लगी भगवान समझने बैठी यार भगवान। तो कि भाई कि मैं सुबह सुबह पार्क जाऊँ तो आज भी गऊँ हमेशा की जन। तो वह का नौनी के बोलदन कि हे भगवान तू आज भी आ गए। देखना चाहो तुम भगवान ने दर्द देना जिनमें में तो कि हे भगवान तू आज भी आ गए। तो यह मेरे को बहुत गर्व बात है। तो हाँ किस्सा चलने लगे हैं चिंता एक और किस्सा पेश कर दूँ। बहुत पहला किस्सा थे तीन डगड़ी को किस्सा थे। तीनों अलग अलग जगह का था, एक छो नेपाली तो एक छो बंगाली और एक छो अपने गढ़वाली। तो सब किस्सा चलना था तो कोई अपने बहादुरी को किस्सा सुना कोई कुछ। तो सबसे पहले बोली नेपाली। तो नेपाली बोलता शाब मैं एक बार गया जंगल में, अकेले जंगल में गया आगे शागे शे। तो बंगाली रिएक्शन दे कि ओ भाई साहब फिर क्यों आए। तो गढ़वाली यार चुप, वो कुछ नहीं बोलो, वो खाली सुन लो कि क्या बोलना चाहिए। तो नेपाली बोला शाब मैं डोरा नहीं, मेरे पास था बंदूक, ये बंदूक लिया शेर को मार दिया। तो बंगाली बोल वाह वाह वाह, अरे तिल तो बंदूक वाला मैर, मैं अपनी कहानी सुनाऊँ भी गया छो एक बार जंगल में है, मैं सुन भी आगे शेर। तो मैं बोल शाब फिर क्या हुआ। तो बंगाली बोलता लेकिन हाँ गडल फिर भी चुप खान सजा बना। तो नेपाली बोल है तेरे साथ क्या हुआ, तेरे पास तो बंदूक भी नहीं था। तो बंगाली बोल अरे मैं मचो छुरा और मैं एक बार में शेर खत्म। अब बारी आंदी गड़ोली, चुपचाप छो तो जो शान से गड़ोली बैठी छो वेल बोल अरे बंदूक वाला ना वेलिंग के नहीं बोले बोले क्या बोले बंदूक से छोरा से तो कोई भी शेर तो मार डालो। अरे मेरी कहानी सुना, एक बार में चल गो घना घोर जंगल में बिल्कुल अंदर छो तो सुन बैठ गिन कि अब क्यों है वेल बोल अरे मैं कोई हथियार भी नहीं छो दुई चौक गिन तो फिर क्यों है वेल बोल मेरे समय आ गए शेर वे बोल अच्छा तीन समय शेर आ गए फिर क्यों है तीन मतलब कोई हथियार भी नहीं मर गया वेल मर भी नहीं चाह आप बचेंगे थे। तो सुन बैठ गए तो वेल वेल क्यों हूँ छो मी भी शेरा समझ खड़े को गो मिल भी बोल ओहे अबे आप तो जंगल राजा समझ लीजिए क्या राजा छे तो मैं समझ नहीं गई किले। तो फिर बोले अब क्यों है अबे तो आप क्या साला सरमला मर गया। तो ये बात आप गड़बड़ होगी क्या कभी भी कुछ भी है ना। तो बात तो हुड़ गिरा ली अम्मी बुलाण चाहूँ अपने मेहमान होते जन थे देखी मन में एक ही रट लगी रानी की यह बने मेरी ब्योली वो खूबसूरत अदाकारा का नाम से संजोली और हाँ उनका साथ आना चाहिए उनका मन का मीत प्रीत अपने भाई सुजीत। तो जोरदार तालियों से स्वागत करता हूँ संजोली एंड सुजीत का। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस शो द ब्लू रेड शो में और बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती टाइम हमें देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। तो सबसे पहला सवाल मैं पूछना चाहूँगा संजोली जी से। वन तयक बहुत एक्ट्रेस बने लेकिन सब समझ आ जाना लेकिन जब भी तो पता लगे कि आप आना जा अरे आप विश्वास नहीं कर क्या बताओ चला छोड़ा रहे मतलब मैं आपको बहुत बड़ो फैन छो ये तो ये सब बड़ो फैन बन क्रीम बोल सब छो मैं आपको सबसे ऐसे बोलोगे ना बाकी एक्ट्रेसेस नाराज रहेंगी मुझसे भी आपसे भी है ना ना मैं तो आपको छो भाई फैन अब नाराज होने तो अब फिर वो देखते हैं आप होंगे तो फिर तो जब आप पहल कब और कैन के डेब्यू सॉन्ग कर छो। तो जो मेरा फर्स्ट सॉन्ग आया था वो रुहान भरद्वाज के चैनल से आया था एंड मेरे साथ में दीपक राणा कोटी थे और उसी के चैनल का ही था उसी ने गाना गाया था और अच्छा था चुमा भाव की चिली। हाँ हाँ वो देखा था मैंने। हाँ प्यारा सॉन्ग हाँ, था यही लोकल में ही शूट हुआ था देहरादून में। तो आप गढ़वाली गानों से पहले हिंदी कंटेंट बनाया करते थे तो कहाँ से विचार आया कि गढ़वाली इंडस्ट्री में जाया जाए। एक्चुअली जब मैंने अपना कॉलेज का फर्स्ट ईयर स्टार्ट किया था तो मेरे पास एक यूट्यूबर का कॉल आया था क्योंकि उस टाइम पे टिकटॉक चल रहा था तो मैं वीडियोस वगैरह बनाती थी बट मैं ऐसा कोई स्पेसिफिक कंटेंट नहीं बनाती थी पर मैं
गढ़वाली वीडियोस में इंक्लूडेड नहीं थी उस टाइम बिल्कुल भी. अच्छा. तो फिर मेरे पास कॉल आया, उसने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे एक्टिंग करनी है. मैं अपने फ्रेंड के थ्रू गई, वहाँ पे काम किया और मेरे को किस्मत भी मेरी ऐसी कि मुझे रोल भी ऐसे मिले जो बहुत ज़्यादा बोल्ड थे, जिसमें मुझे यू नो कभी गाली देनी है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है. तो अच्छा. ऐसे रोल्स थे. हाँ. अब अगर मुझे पता होता कि मैं ऐसे इंडस्ट्री में आ जाऊंगी तो मैं वो करती नहीं कभी. बट फिर भी किया मैंने फॉर एक्सपोजर. और बहुत से लोग ऐसे ऐसा होता है कि वीडियोस में देखते हैं तो जज कर लेते हैं कि अच्छा ये वीडियोस में गाली दे रही है तो ये रियलिटी में भी गाली देती होगी. हाँ, ये बात. गाली तो सभी देते हैं वैसे, मैं कोई अकेली नहीं हूँ. बट मतलब सोच लेते हैं ना कि रियलिटी में भी ऐसी ही होगी, इसका कैरेक्टर ऐसा होगा. तो ऐसे भी मुझे बहुत रिव्यूज मिले उस टाइम पे. फिर मैं अपनी लाइफ में एक इंसान के साथ जुड़ी जो अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा प्यार करता था. हाँ. और मतलब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था इन सब चीज़ों में. तो हाँ. जब वो मेरी लाइफ में आया तो मैंने वहाँ से चीज़ें देखी. शौक मेरे को पहले से था, मैं सुनती थी गाने, गढ़वाली, कुमाऊनी, सारे गाने सुनती थी. बट मुझे ना समझ में आते थे ना मुझे बोलना आता था. तो मुझे सर के ऊपर से ज़्यादा था मतलब सब. पर देखना बहुत अच्छा लगता था, नाचना बहुत अच्छा लगता था शादियों में, गानों में. अच्छा. फिर जब वो आया तो मैं देखती थी कि अच्छा टिकटॉक पे भी पहाड़ी कंटेंट बनता है. हाँ. तो बस वहाँ से थोड़ा सा कीड़ा आया. हाँ. फिर मैंने पहाड़ी कंटेंट बनाना हाँ. शुरू किया और अब मैं यहाँ हूँ. तो मैंने वो काम बिल्कुल अभी छोड़ रखा है. अच्छा. हिंदी वाला. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अब तो काफी ऊपर भी चले गए. मतलब अच्छा लगता है मेरे को. और मेरा मेन पर्पस यहाँ पे काम करने का ये है कि कमाना इज समथिंग लाइक कमा मैं वहां से भी रही थी, कमा मैं यहाँ से भी रही हूँ. बट यहाँ पे जो मेन मेरा फोकस ये है कि मेरे को अपनी फैमिली से कभी कल्चर या अपना जो चीजें होती हैं सीखने को नहीं मिला. अच्छा. क्योंकि मेरे पापा मम्मी भी दिल्ली में रहे हैं, मेरे दादी दादू भी दिल्ली में रहे हैं, हम भी दिल्ली में पले बड़े हैं. तो एक होता है ना एक घर वाला टच जो होता है, वो नहीं मिला. तो इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ. और मुझे इतना अच्छा लगता है कि हम गांव में शूटिंग करने जाते हैं, वहाँ पे लोगों के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, दाल वहाँ पे इतनी पहाड़ी दालें मिल रही है, घी में ऐसे पूरा खाना है. तो अच्छा लगता है, तभी मैं हूँ. अभी तो समझ में आने लग गई है, क्या पता थोड़े टाइम बाद बोलनी भी आने लग जाए. सही बात है. और सीखना जरूर, बोलना भी. बिल्कुल सीखूंगी. बहुत बढ़िया. तो अब बात करते हैं सुजीत भाई से. तो सुजीत भाई, आप भी गढ़वाली इंडस्ट्री में शुरुआत कर चुके हो और काफ़ी हिट से हिट गाने दे दिए आपने. और एक गाना है मेरूनो, तो वो दिल के बहुत करीब है. तो क्या सोच के आए थे इंडस्ट्री में, मतलब क्या मन था आपका? मैंने कभी मतलब मेरा कोई सपोर्ट नहीं था म्यूजिक को लेकर या इंडस्ट्री में आने के लिए लेकर. मैं एक व्यूअर था, एक ऑडियंस था बेसिकली. मैं गाने देखता था यूट्यूब पे, पर मेरे को मतलब इतना इंटरेस्ट भी नहीं था और देखता था. सडनली मैंने गिटार लिया और गाना गाना मतलब ऐसे गिटार बजाना शुरू किया. मेरा भाई सिंगर था पहले से, मतलब उसको इंटरेस्ट था. अच्छा. तो वो गाना गाना ऐसे गाता रहता था. तो हम लोगों ने एक दिन ऐसे बैठे थे, जैमिंग वैमिंग कर रहे थे, तो ऐसे ही उसने एक कंपोजिशन टाइप की करी और उसने किया और मैंने उस पर थोड़ा सा लिख दिया. तो बाद में पता चला वो जो उसने कंपोजिशन करी थी वो किसी गाने की है, और क्योंकि हमें नॉलेज तो थी नहीं. तो उसके बाद हमारा प्लान कैंसिल हो गया. तो फिर उसके बाद हमने थोड़ा कोशिश करी तो एक गाना हमने खुद से लिख दिया. और उस वक्त मैं जॉब करता था, फिलहाल मैं भी कोई जॉब नहीं करता हूँ. तब मैं जॉब करता था, थोड़े बहुत पैसे वैसे जमा करे, म्यूज़िक बनाया मंगोली भाई से. वो काफ़ी अच्छा बना के दिया उन्होंने, मतलब उनका टेस्ट पहले से ही बहुत अच्छा था. लगभग 2 साल पहले की बात है. तो उन्होंने जो बना के दिया मेरे को, उससे और बूस्ट मिला. मैं सोच रहा था हल्के में करता हूँ, जैसे पोस्टर डाल के अपलोड कर देते थे ना पहले. अब तो बहुत काम होता है वीडियोस पे. तो मैंने सोचा हल्के में करता हूँ, पहले पोस्टर सोचा, फिर थोड़ा सा मोटिवेशन मिली. फिर मैंने सोचा कोई नॉर्मल सी कोई लड़की लेता हूँ, हीरो बन जाता हूँ और कर देता हूँ. फिर मेरे को लगा पैसे लगाने हैं तो एक अच्छी एक्ट्रेस लेते हैं और अच्छा कैमरा उठाते हैं. तो वो गाना हमने बनाया, वो काफ़ी अच्छे तरीके से चला भी, डीजे में बजता रहा हर जगह. तो बूस्ट मिला. फिर उसके बाद 2 गाने, फिर 3 गाने, फिर 4 गाने, फिर संजोली मिली. उसके बाद फिर हम प्रोजेक्ट्स ही करते हैं. वैसे ज़्यादातर तो नहीं, लेकिन 90% गानों में आप दोनों को साथ ही देखा गया है. तो प्रोड्यूसर से कौन, प्रोड्यूसर को कौन बनाता है कि लीड में हम दोनों ही ले जाए? एक्चुअली क्या होता है कि जो भी कॉन्टैक्ट्स होता है, इसका काम है, इसका सारा म्यूजिक का, लिरिक्स का, कंपोजिशन का, ये सारा काम इसका है. एंड उस गाने को आगे पिच करना वो मेरा काम है. तो प्रोड्यूसर से जो भी बात होती है वो सब मैं करती हूँ. और मैं ही मनाती हूँ उनको कि सर हम साथ ही करेंगे. मान भी जाते हैं. हमको साथ में ज़्यादा अच्छा लगता है काम करना बेसिकली, चाहे वो वीडियो हो या ऑडियो हो, वीडियो हो, हम इन्वॉल्व ही रहते हैं दोनों हर चीज में. बहुत प्यारे लगते हो आप साथ में. थैंक यू. थैंक यू सो मच.
तो सुजीत भाई, आपने अपने इंस्टाग्राम बायो में लिखा है कि आप रैपर हो, तो दो चार लाइन हो जाए संजोली जी के लिए। तो भाई गाएगा, करती रहती है परेशान जिंदगी मेरी, करती बर्बाद। वाह क्या राइमिंग है। चलो हम दोनों साथ में गाते हैं। जो मेरा रैप, जो हमारा गाना था, मैंने किया था रैप उसमें, दोनों जो हमारा फर्स्ट सॉन्ग था साथ, हम हमारा साथ, जहाँ से हम दोनों मतलब फंस गए। इसको अपना ही रैप याद नहीं है भाई, कैसा लड़का है ये। चलो सही से गाओ, चलो टू थ्री। अटपटी लंकटी छुई लगाओ, हाथ मालिक तू मेरु यू नो, हिट पहाड़ तू मेरा दगाड़, घुमा लो जंसार सारा कुमो, चल तू मेरा साथ मा, छोरी ना छोड़ लो हाथ हाथ, रानी बना लो तो थे मैं ना चालू, ओ बेजी पाजे ने डम डम, तार को पाड़ी चितू, मैं तेरा पिछाड़ी है गाड़ी चितू, लोगों में सुनी पहाड़ी है तू, है मेरी लाठी है नाड़ी चे तू, तू माया मोहनी तू रूप की बांध, जून सी आंख गणों में कु चांद, और फूलों में छू तेरी लगांड, स्वेणा भी दिखे तो तू दिखे आंध, मान जा मेरी भी दिल की बात, हाथों में थाम ले मेरी यू हाथ, तू बाबा से बोल तू बाबा से बोली जा डोली से जोलू, जित सुखी ओण वाली चुबर यार। ये बात बहुत बढ़िया, याद नहीं है वो अलग बात, मतलब हमारा ये फर्स्ट सॉन्ग था जो हमने साथ में किया था। मेरे को वर्ड टू वर्ड इसके, इसने तीन गाने करे हैं अपने चैनल से, मेरे को उन तीनों के रैप आते हैं, मतलब थोड़े स्टार्टिंग के दो के थोड़े बहुत आते हैं, बट ये जो हमारा वाला सॉन्ग है इसका अच्छे से आता है, और जिसने लिखा है उसी को याद है। इसके बाद गाने भी लिखे हैं ना, तो सब लोगों में और याद हो गए जो आगे लिखे थे। बहुत बढ़िया, तो दुई लाइन ना मैं भी बुन चाहूं, पर सिर्फ आप को। अच्छा, दिल से लिखे थी ना, बोलिए। दिल मेरो दुखेंदु जब तू कह और काम गैल मां दिखे जे, ये खुली तारा बारा मां सोची आंसू अपना बुझे हाथ देने के लिए, दुख रहे दिल दुख रहे। तो सबसे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूँ कि अभी दो मिनट पहले जो बोले सेकंड पहले बुलेन भूली ना उन ते नजरअंदाज कर दें, जो आड़ो भेल नारी वो अभी भाग जाल बेचारी। अब इधर इधर लाइन दोगे तो जो आएगी वो तो भागी जाएगी ना फिर। पापा बहुत मारते हैं मेरे, वैसे पता है। हाँ बहुत स्ट्रिक्ट है। पुलिस पुलिस में तो नहीं है? नहीं नहीं, पर वैसे बहुत स्ट्रिक्ट है। चलो बता देना जब मिलेंगे। जाऊंगा। तो सुजीत भाई, आपकी और संजोली जी की जोड़ी जैसे रियल लाइफ में है वैसे ही रियल लाइफ में है कि नहीं, इसके इसका टेस्ट लेते हैं, और मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा, पांच सवाल पूछूंगा, ज्यादा नहीं, और देखते हैं आप दोनों एक दूसरे को कितना जानते हैं। हार जहार रहेगा। तो आपको इसमें लिखना है, शो नहीं करना है एक दूसरे को अभी, और मैं सवाल पूछूंगा इस साइड से, ठीक है? तो कैमरे को शो करना है। हाँ, ओके, डन। हार मान लो। तो रेडियो? यस। रेडियो, हाँ ये बात। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, और पहला सवाल सुजीत भाई से। तो सुजीत भाई, संजोली जी की सबसे फेवरेट मूवी कौन सी है, बॉलीवुड मूवी? मैं भी लिखूं ना? दो है ऐसे तो, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है। कोई दिक्कत नहीं, का पढ़ लेता हूँ गंदी वाली, मेरी खुद की गंदी है ना। उसको डार्क भी कर देता हूँ। चलो साथ में शो करेंगे। okay. कैमरे की साइड भी। तो शो करें दोनों। पहले सुजीत भाई और अब आप आ जाना चले यहाँ पे। एक्चुअली देखा जाए तो फैशन भी मेरी फेवरेट मूवी है, बट प्रायोरिटी मेरी ये है आज नचले, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी। लड़कियों को दो ही चीज तो आती है। एक्चुअली इस मूवी में थोड़ा थिएटर वगैरह दिखा रखा है ना इसलिए। अच्छा तो बेटा तू चल घर बता दे। पहला क्वेश्चन ही गलत कर दिया। तो अब आपकी भी बारी है। अब ओके, मैं बताऊंगा इसको। अब आपकी बारी है, अब आपसे सवाल किया जाएगा। तो आपसे ये है कि सुजीत भाई का फेवरेट रैपर कौन सा है? जा रही हूँ, जाऊंगी। जवाब तो दे रही है। ओके, मैंने लिख दिया। ठीक है सुजीत भाई, आपका हो गया। दो मिनट। नहीं चीटिंग नहीं। अच्छा, अब तो मैंने लिख दिया ना, तो देख सकती हूँ ना। तो
ठीक है चलो अब शो करेंगे पहले संजोली जी। अबे यार सुजीत का फेवरेट रैपर सुजीत भाई Eminem यार ये नहीं था ऐसे नहीं था इंटरनेशनल इंटरनेशनल रैपर तक भी जा सकता है ये मैं अवेयर नहीं किया पता ही नहीं रैप भारतीय सिर्फ इसका मतलब ऐसा नहीं है एक्चुअली ये बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान है पर आपको मानना ही पड़ेगा कि आप हार चुके हो चाहे कुछ भी हो अरे सुजीत भाई वेल एंड डन बराबर मामला वेल एंड डन वेल डन होता है सुजीत चिताते हो गया मैं तो बच्चे कर रहा था बच्चे कर रहे थे माय माय मींस आई एम जस्ट किडिंग अबे यार भाई ऐसे बच्चे करते रहो और सबको हंसाते रहो तो अब जरूर जरूर हंसाएंगे सबको हंसाएंगे और खुद भी हंसते रहेंगे खुद का भी तो जरूरी है तो अगला सवाल है सुजीत भाई से संजोली जी की फेवरेट ड्रेस यार उसको पता होगा ये चलो देखते हैं फिर भी अभी तक भी मेरी भी वही फेवरेट है एक्चुअली हो गया सुजीत भाई ये डॉग कर रहा है उसको हैंडराइटिंग कंपटीशन में हारा था तो शो पहाड़ी पहाड़ी क्या बात है क्या बात है चलो कुछ तो पता है अभी तक जीते हुए ही है एक पॉइंट यस मेरी बारी अब तो बहुत बढ़िया और आप तैयार रहिए क्योंकि ये सुजीत भाई ले जा चुके एक पॉइंट तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपसे ही है तो आपसे ये है कि सुजीत भाई का फेवरेट इंडियन फूड वेज नॉन वेज दोनों दोनों लिख दोनों दोनों लिख अच्छा ठीक है ये गिफ्ट नहीं जिता सकता ठीक है डन सुजीत भाई गाड़ा मत करो आप जीतने वाले हो शो शो राजमा राइस और चिकन ओए यार इसको तो पता है मुझे पता था क्योंकि क्योंकि ये जब अपने घर पे होता है और मैं अपने घर पे होती हूँ तो जब इसका चिकन खाने का मन करता है मेरे को फोन करता है आज चिकन बनाएगी क्या मैं आ जाऊँ खाने के लिए तो इसलिए बहुत बढ़िया खाना पता है एक एक पॉइंट पे दोनों अब है लास्ट क्वेश्चन तो वो है सुजीत भाई से सुजीत भाई रेडी हो क्योंकि अभी जीतोगे तभी गिफ्ट मिलेगा वरना तो आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि संजोली जी का ड्रीम प्लेस जहाँ वो घूमना जाना चाहती हो मतलब इंटरनेशनल राइट इंटरनेशनल है वैसे तो मेरा नेशनल तो कोई नहीं है फॉर वेकेशन और फॉर लिविंग मतलब वेकेशन ऑब्वियसली ठीक है वेकेशन नहीं देखना देखना नहीं है सीधे लिखना है So simple. इसका मतलब है कि मैं जीतने वाली हूँ अगर मालदीव्स वगैरह लिखा रहा तो मतलब तू बहुत ही बेकार आदमी हो बाली ग्रीस यार फ्रांस लिखने वाला था पहले तो आपको बधाई थैंक यू सो मच मैं हार गया क्या हार गया आप एक पॉइंट से He's a loser. इसको मेरे बारे में कुछ नहीं बताया दो पॉइंट जीत चुकी है क्या हाँ दो पॉइंट जीत चुके हैं और एक राजमा चावल में जीते थे ना तो अब आपको मिलता है गिफ्ट गौराज की तरफ से तो गिफ्ट दिया जाए आपको मिलती है कैमोमाइल टी थैंक यू और ये आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो घर बैठे क्योंकि गौराज वाले गौराज एक कंपनी है वो ऑनलाइन भी से बेचते हैं तो आप भी मंगा सकते हैं अपने घर पे बैठ के और वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक है आई हैव ट्राइड दिस टी बिफोर और ये बहुत ही टेस्टी है गाइस तो आप घर जाके चाय पीना कैमोमाइल टी और सुजीत भाई आपको मिलता है बाबा जी का टुल्लू कोई बात नहीं मान ले भी चाय बना दूंगी मैं नहीं मैं नहीं पीता ये अपना पहाड़ी वाली चाय सही है हां ये भी तो पहाड़ों की ही है ये भी पहाड़ों की है और बहुत अच्छी चाय दूध वो बढ़िया दिख रहा है अच्छा तो देख उसमें लिखा है ऑर्गेनिकली ग्रोन पहाड़ी प्रोडक्ट्स एंड प्रमोट हैंडक्राफ्ट प्रोडक्ट्स गौराज वाले सारे पहाड़ी प्रोडक्ट ही बेचते हैं आप वहां से और कोई चाय भी मंगा सकते हैं बुरा ये क्या मोबाइल नहीं पियूंगा ये क्या मोबाइल नहीं पिएगा दूसरी खरीद के पिएगा लेकिन ये नहीं पिएगा मैंने जीती है ना ये नहीं पिऊंगा इसको मैं हाथ नहीं लगाने वाला हटा दो इसे मेरी नजर से तो सुजीत भाई क्या जमाना आ गया अब है हे मेरी बुए
क्या हो गया? अरे एक वो जमाना था, हमारा जमाना था जब ये वीडियो बनाना, गांव में जो वीडियो बनाता था उसे नाम दिया जाता था पात्र नचार करके ये सब ना। और अब आगे जाके क्या पता था किसी को कि अब इसी से हम पैसे भी कमाएंगे। और संजोली जी ये अंदर की बात है लेकिन चलो बताए देते हैं, ब्लू रेड वाले ना इनको पैसे देते हैं। अच्छा। हाँ, रील बनाने वालों को जनर बिजाम फॉलोवर वाला जनर रील बिजाम जान दे। अरे ब्लू रेड की लिस्ट में मैं भी हूँ। अच्छा, जिसको जिसको पैसे मिलते हैं। तो सुजीत भाई यू भी छानो है ना। सही तो बात। एक हम छा 500-600 व्यूज और एक लड़की छन। हाँ, रूप जुमन भंडार में भाई साहब 2-3 लाख व्यूज है। मेरे बारे में ही बात हो रही है क्या? ना ना हूं तो चाहिए रियलिटी जा। हाँ, आपन भी देखो लो और हमारे वीडियो पर 200-300-400 पर फिर भी लड़की के लिए नहीं पटना है। जन एक आप टिप्स दे दे जन आपल कटाई। सबसे पहले हाँ जिम जाना है, गौराज का घी खाना है और फिर थोड़ा सा पैसा लगा के प्लास्टिक सर्जरी करके अपना बांदर जैसा मुंह सही करना है। क्या यार तुम कैसे बोल रहे हो, पागल हो गए हो क्या? प्रिंस तो वैसे ही बहुत अच्छे, देखो इतनी प्यारी तो स्माइल है, अब और क्या कराना है तुम भी ना। अरे माफ कर दिया वो जरा खोए बचो तो अलविदा यार, अलविदा लेना तो मन नहीं करना चाहता, क्या करना। जल्दी आएंगे फिर से। हाँ वो तो हम भी चाहते हैं, हम जल्दी कल आ जाओ। तो अभी अलविदा लेते हैं दोस्तों और बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुम आने के लिए, अपना कीमती टाइम हमको देने के लिए। थैंक यू सो मच हमें यहाँ बुलाने के लिए, द ब्लू रेड शो छुई बात और बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आपसे ऐसे ही मिलते रहें इसी शो पर। हम तो जरूर मिलना चाहेंगे आपसे। और तो दोस्तों अब लेते हैं आपसे अलविदा, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दे और हाँ बिना सब्सक्राइब किए कहीं मत जाना। जय देव भूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय।